प्रतापगढ़ के सांगीपुर ब्लॉक के अंतर्गत सांगीपुर ग्राम में नाली का किया जा रहा है घटिया निर्माण। प्रतापगढ़ खंड विकास सांगीपुर के अंतर्गत सांगीपुर ग्राम सभा सांगीपुर के भैरवन में पीली ईंट से प्रधान द्वारा कराया जा रहा है नाली का निर्माण। सरकारी कमे पीली ईंट यानी घटिया निर्माण प्रधान द्वारा कराया जा रहा है। को एक बार फिर बता दें, प्रधान द्वारा घटिया निर्माण पीली ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है नाली निर्माण। जिले के कई ग्राम सभा में पीली ईंट से शौचालय समेत नाली का पीली ईंट से हुआ है निर्माण और आगे कराया भी जा रहा है। सरकार की योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं ग्राम पंचायत विभाग। जब मीडिया ने ब्लॉक में ग्राम पंचायत अधिकारी से बात करने के लिए पहुंची तो ग्राम पंचायत अधिकारी नदारद रहे। ग्राम पंचायत अधिकारी का नहीं उठता है फोन। आखिरकार वो जवाब कैसे देंगे? उनकी भी तो संलिप्तता इसमें पाई जाती है और पाई जाती है। खंड विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने लिया मामले को संज्ञान में। मीडिया से रूबरू होते हुए बोले, संजय कुमार सिंह ने काम को तुरंत रोकने का आदेश कर दिया है और ऐसे प्रधान जो घटिया निर्माण कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सर, विकासखंड सांगीपुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा है सांगीपुर जी, जहाँ पे भैरवन में एक नाली बनाई जा रही है जो पीली ईंट से बनाई जा रही है और आचार संहिता भी लगी, क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नाली बनाई जा रही है आचार संहिता के पहले ये कार्य स्वीकृत हो चुका है, लेकिन नाली बनाने के काम में अगर गलत ईंट का प्रयोग हो रहा है तो उस कार्य को रुकवा दिया जाएगा। और जैसा हमको जब भी पता चला, मैंने वहाँ के सेक्रेटरी से कह करके इस कार्य को रुकवा दिया है। बहरहाल जो भी हो, जनाब ने कह तो दिया है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अब आगे देखने वाली बात होगी कि उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जाएगी और क्या कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पीली ईंट का निर्माण जारी है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से टाइम्स एटी न्यूज के लिए केशव पांडे की रिपोर्ट।